subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. ये रिश्ता क्या कहलाता मैं अब कार्तिक के सामने नायरा की सच्चाई आएगी जहां नायरा टीना बनकर कुआं में अपनी जिंदगी बिता रही है और वो भी पिछले 5 सालों से और ये सच डिसूजा के द्वारा आने वाला है। अगर कहानी में बात की जाए डिसूजा के इस कैरेक्टर की तो इसी ने इस बाप बेटे को मिलाया है क्योंकि डिसूजा के फ़ोन के ज़रिए ही कार अब अपने पिता के पास पहुंचता है और पिता के पास उसकी आवाज़ जाती है और बातचीत होती है। तब कार अब मिलाएगा कार्तिक को मिस्टर डिसूजा से और कह देगा कि पापा मैं इन्हीं के फ़ोन से आपसे बात किया करता था और यही है जिसने हमारी मदद की है। जहां आप देखेंगे कि कार्तिक और डिसूजा आमने सामने आएंगे और दोनों एक साथ रहेंगे लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि डिसूजा शराब की हालत में बता देंगे सारी सच्चाई और कह देंगे कार्तिक को कि कायरत की माँ का नाम टीना है और वो देखेंगे कि कार्तिक के पर्स में नायरा की तस्वीर है तो वो ये भी कह देंगे कि ये तो टीना है जो कि पिछले 5 सालों से रह रही है। अब क्या होगा कैसे कार्तिक नायरा के इस बड़े सच को बर्दाश्त कर पाएगा और 5 सालों से मरी हुई नायरा जब अचानक जिंदा हो जाएगी तो क्या करेगा कार्तिक, इसकी अपडेट हम आपको देंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.